विरासत हिंदुस्तान में मैं पंकज शारदा आपका स्वागत करता हूं। देश भर में लोकसभा चुनावों का दौर है, राजनीति गर्मा चुकी है। बात करेंगे अपने शहर लुधियाना की, बात करेंगे लुधियाना से पिछली बार चुनाव जीते सरदार रवनीत सिंह बिट्टू की। पंजाब के मरहूम मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह, जिनको पंजाब में शांति वापस लाने का श्रेय दिया जाता है, उनके पोते सांसद रवनीत सिंह बिट्टू सबसे पहले आनंदपुर साहब सीट से चुनाव लड़े, चुनाव जीते। राहुल गांधी की टीम में शामिल सरदार बिट्टू को लुधियाना उस समय आने का मौका मिला जब यहां से जो मौजूदा सांसद थे मनीष तिवाड़ी, जो केंद्र में मंत्री भी बने, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इस समय कांग्रेस के, उन्होंने निजी कारणों से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसके बाद सरदार बिट्टू को लुधियाना में आमंत्रण मिला, लुधियाना से पार्टी ने उनको टिकट दी। चुनाव हुए, चुनावों में क्योंकि चार एंगल फाइट थी, चार उम्मीदवार ताकतवर खड़े हुए थे, जिनमें कांग्रेस के बिट्टू थे, अकाली दल की बात करें तो सरदार मनप्रीत सिंह अयाली थे, लोक इंसाफ पार्टी के सरदार सिमरजीत सिंह बैंस थे, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार थे। जब ये फोर एंगल फाइट हुई तो सरदार बिट्टू अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीत गए। इसके बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव का दौर आया। विधानसभा चुनाव में सरदार बिट्टू ने पार्टी हाईकमान में अपनी पकड़ को साबित किया। अपने करीबियों को वो टिकट दिलवाने में कामयाब रहे, जिनमें पार्षद संजय तलवाड़ भी थे, जो भी पूर्वी के मौजूदा विधायक हैं। इसके बाद जब सरकार बनी तो सरकार बनने के दौरान भी जो सांसद बिट्टू हैं उनका दबदबा देखने को मिला। लुधियाना से सात बार के विधायक राकेश पांडे, जो कि पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी जगह पार्टी ने सांसद बिट्टू के करीबी भारत भूषण आशु को मंत्री बनाया। सरदार जो पांडे थे उनका पत्ता कट गया। इसके बाद जब पार्षदों के चुनाव आए तब भी पार्टी में अपर हैंड बिट्टू का देखने को मिला। जो ये सारे समीकरण बने उसमें जो चीज सामने आई वो ये हुआ कि जो सांसद बिट्टू थे उनके ऊपर एक धड़े में रहकर राजनीति करने के आरोप लगने लगे। अब जबकि लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, पार्टी उनकी उम्मीदवारी टिकट उनकी फाइनल करने जा रही है, उनके खिलाफ जिन जिन लोगों के मन में कोई भाव थे उन्होंने प्रकट करने शुरू कर दिए हैं, जो सांसद बिट्टू की चुनावों में मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात जो की वो की विधायक राकेश पांडे ने, मंत्री ना बन पाने का मलाल श्री पांडे को कितना है ये तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन श्री पांडे ने ऐन चुनावों पर सांसद बिट्टू पर, उनकी कार्यशैली पर उंगलियां उठाई हैं। एक निजी चैनल के साथ बातचीत करते हुए श्री पांडे ने यह बात साफ की कि सांसद बिट्टू की कार्यशैली अलग है। उन्होंने वर्करों को अपना टाइम नहीं दिया, उन्होंने जनता को अपना टाइम नहीं दिया, जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ है। एक वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक का खुलेआम ये बात कहना पार्टी के लिए और खास तौर पर सांसद बिट्टू के लिए आने वाले दिनों में अच्छे संकेत नहीं है। इसके अलावा सांसद बिट्टू ने चुनावों से पहले जो टोल प्लाजा वाला मामला उठाया था उसमें उन्होंने दो दिन तक टोल प्लाजा बंद भी करवाए रखा। उसके बाद उन्होंने जो टोल प्लाजा से संबंधित कंपनी है सोमा कंपनी, जिसने ये सारे प्रोजेक्ट्स पूरे करने थे जो टोल वसूल रही है, उस पर विश्वास किया और उनके कहने पर अपना धरना हटा दिया। अगले ही दिन जब लोगों से टोल टैक्स वसूला जाने लगा तो सांसद बिट्टू ने जो ये प्रयास किया था, जो ये ताकत दिखाने की कोशिश की थी, उसके उल्टे प्रभाव सामने आने शुरू हो गए। विपक्ष के साथ साथ उनकी अपनी पार्टी के जो नेता थे वो उनकी कार्यशैली पर उंगली उठाने लगे। वो ऐन मौके पर बैकफुट पर क्यों आए, क्यों उन्होंने 6 या 8 साल से जो टोल प्लाजा चला रही कंपनी है जिसने प्रोजेक्ट बंद किए हुए थे, महज उनके आश्वासन पर अपना धरना खत्म किया। चुनावों से ऐन पहले पार्टी के सीनियर नेताओं का इस तरह सांसद बिट्टू के खिलाफ बोलना,
जहां लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, वही जब तक बिट्टू की टिकट डिक्लेयर नहीं होती तब तक ये जो विरोध है वो बिट्टू के लिए भी काफी घातक साबित हो सकता है।